पे सब्सक्राइब का लाल बटन बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिल जाया करें। आज फिर से एक बार बात करेंगे हम एक दिग्गज कंपनी जो अभी हाल ही में 11 अप्रैल को लिस्ट हुई है, रेल विकास निगम लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं RVNL। पहले देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। रेल मंत्रालय का इसको सपोर्ट है, बैकअप में है, रेल मंत्रालय का ही डिवीज़न है और ये लिस्ट हुई थी 11 अप्रैल को। ये बेसिकली जो रेल का जितना भी सारा कामकाज है, इंजीनियरिंग से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जितने भी इसके बनाने वनाने, जैसे कि यहाँ पे वर्कशॉप स्टेशन है, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन है, तो जो ये काम सारा होता है, प्रोजेक्ट्स इन हिली टेरेन और मेट्रो का भी सारा काम है देखते हैं, गेज कन्वर्जन एंड कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, तो ब्रिजेस बनाना, रेलवे के जो पुराने हो चुके हैं रेलवे लाइन बिछाना, इलेक्ट्रिफिकेशन करना, सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके इंजीनियरिंग से लेके डिज़ाइन से लेके ये कंपनी करती है, रेल विकास निगम लिमिटेड। अगर मैं दो शब्दों में कहूँ तो यही है इसका मतलब। आप समझ गए होंगे कि हमारे देश में रेल सबसे बड़ी एक उद्योग है जिसको गवर्नमेंट को सबसे बड़ी आय होती है और उसका कितना व्यापक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे भारत में फैली हुई है और दिन ब दिन ये अपनी ग्रोथ ही करती जा रही है। तो ये कंपनी फिलहाल ज़बरदस्त आने वाले समय में इसी तरह की ग्रोथ करेगी। इसके पास बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, वर्तमान समय में जो प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ RVNL, ये सब पे काम कर रही है। बहुत सारी डिटेल्स हैं इस कंपनी में, इसको अलग अलग आप भी विजिट करना चाहें तो वेबसाइट पे कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। पहली ऐसी PSU कंपनी जिस पे थोड़ा सा मैं अभी, मेरा इसलिए इसमें रुझान है कि मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हमें किस लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है इसमें अच्छी कमाने की। आज जो इसका प्राइस 27.80 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है और लो ऑब्वियसली जिस दिन लिस्टिंग हुई थी तो 18.65 रुपये पे हुए था और हाई बना चुका 29.90 रुपये आने, 10 पैसे कम नहीं तो 30 रुपये। और यहाँ पे देखिए 6 महीने पहले, यानी 6 महीने पहले का इन द सेंस कि ये लमसम अभी तक जब से लिस्टिंग हुई है, उस जिन्होंने भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे उनको 45% के आसपास का रिटर्न मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार रिटर्न है, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न है। पी रेशियो देखिए 1.31 का है, अर्निंग पर शेयर 3.33, प्राइस टू बुक 1.32, ऑन डिलीवरी इसके 39, यानी 40% के आसपास है, डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अभी बहुत सारी चीज़ें बहुत साइटों पे अपडेट इसलिए नहीं हुई हैं क्योंकि जैसे प्रमोटर्स की होल्डिंग ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो सारी डिटेल्स अभी अपडेट होंगी। हम क्वार्टर के नेक्स्ट क्वार्टर का भी वेट कर लेते हैं किस प्रकार के इनके रिजल्ट्स आने वाले हैं और हम मनी कंट्रोल की साइट पे ये भी देख लेते हैं कि कैसे रहे इनके मार्च 18 से मार्च 19 में, कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। तो जो डेटा हमें यहाँ मिल रहा है 2650 करोड़ की थी मार्च 18 में थी, वहीं हो गई मार्च 19 में 3418 करोड़ की, और नेट प्रॉफिट भी जहाँ 163 करोड़ की थी मार्च 18 में, वही मार्च 19 में हो गई ईयर ऑन ईयर 185 करोड़ की, तो बेहतरीन है। बाकी सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी, लेकिन जो समझने वाली बात है, कहने वाली बात है, बताने वाली बात है स्टॉक में, उसमें ये है कि अभी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो कंपनी है अभी जो इसका प्राइस है, होता क्या है कि जब ये लिस्टिंग इसकी हुई तो लोगों ने इग्नोर किया, बहुत सारे लोगों ने, उनको लगा कि क्या इसमें कमाने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बहुत लोगों का ध्यान नहीं गया, बहुत मतलब ठंडी लिस्टिंग हुई, होता ना कि फिर भी यहाँ पे किस प्रकार की हुई अभी हम देख लेते हैं। देखिए 1860 पे हुई लिस्टिंग 11 अप्रैल 2019 को और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ गया, धीरे धीरे गया एकदम नहीं, और यहाँ पे 18 अप्रैल को फिर इसका भाव क्लोज हुआ जो 26.15 रुपये पे, फिर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा, फिर ये नीचे आया और नीचे आया, फिर ऊपर गया, इस तरीके से चलता हुआ भी हाई बनाया था 29.85 रुपये के आसपास, और हाई से बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है अभी उसी के पैरेलल, मतलब आज वर्तमान जो प्राइस है 27.80 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। तो इस तरीके से जहाँ पे लगातार सेंसेक्स इंडेक्स हमारा वोलेटाइल है, बड़ी बड़ी दिग्गज सेक्टर्स की कंपनियाँ नीचे की ओर जा रही हैं, ट्रेडिंग कंपनियाँ सकुमा जैसे 50% से भी ज़्यादा टूट चुकी हैं, ऐसे में ये एक सरकारी कंपनी डटी पड़ी है, खड़ी है, जिन्होंने पैसे इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, उनका पैसा डूबा नहीं बल्कि अभी प्लस में ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लंबे समय के जो निवेशक हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीबैगर तो बनने की उम्मीद इसमें मुझे नहीं दिखती क्योंकि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, अच्छा डिविडेंड देगी,
जिससे इससे इनका प्राइस कंट्रोल रहेगा, लाभांश शेयर करती रहेंगी, हो सकता है आने वाले समय में बोनस भी दे, और फेस वैल्यू अभी इसकी 10 की है तो स्प्लिट भी हो भविष्य में अगर इसका प्राइस बढ़ता है तो। ये देखिए फेस वैल्यू अभी 10 की है और मार्केट कैपिटल है 5,765 करोड़ का, एक ज़बरदस्त। तो इस तरीके से मुझे ऐसा इसमें लग रहा है कि भविष्य में आने वाले में अपॉर्चुनिटी अच्छी है, साल डेढ़ साल में कई गुना जा सकता है, एग्जैक्ट कितना जा सकता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारी कंपनियां हैं जो लिस्टिंग जिन रेट पे हुई थी अभी वो लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया है, और वो इसी के आसपास, जैसे कि पोली कैब इंडिया लिस्ट हुई थी वो भी अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे चल रही है इस समय। ऐसे जब हमारा मार्केट बियरिश है तो ऐसे समय में कुछ कंपनियां लिस्टिंग हुई तो वो नीचे चली गई अपनी जो भी एक्चुअल प्राइस थी, लेकिन ये कंपनी है जो अभी भी करीब 45% के आसपास रिटर्न दे रही है। तो जब मार्केट में रैली आएगी, जब उसमें बुलिश आएगा, एक समय ऐसा आएगा तो हो सकता है कि ये कंपनी अच्छा मुनाफा दे, लेकिन अभी लेने की सलाह इसलिए मैं नहीं दूंगा, इसमें सतर्क रहें। होता क्या है कि मार्केट का भी कोई भरोसा नहीं, अभी कहाँ जाने वाला, अभी तो ये भी बजट भी आएगा, इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो ऐसे में स्थिति रणनीति हमारी यही होनी चाहिए कि थोड़ा सा वेट करें, जैसे ही कोई और गिरावट आती है इसमें और दबाव बनता है और प्रॉफिट बुकिंग होती है, किसी कारणवश या रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो दबाव बन सकता है, तो हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 22 से 27 के बीच में अभी ये घूमता रहेगा कुछ दिनों तक। अगर टेक्निकल चार्ट पे जाते हैं तो मैंने जो देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हमें और डाउन साइड भी मिलने की उम्मीद है। फिर भी अगर लगता है आपको कि आपका लंबा समय का निवेश है, थोड़ा थोड़ा करके बाइंग करते रहें, लेकिन मुझे कंपनी अच्छी लगी फिलहाल, और मैंने इसके वेबसाइट पर जाकर सारा कुछ पढ़ा तो मुझे ठीक ठाक लगी। गवर्नमेंट कंपनी है, बहुत ज़्यादा इसमें लॉस की उम्मीद मत कीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद तो अभी इसलिए कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि अभी ये लिस्ट ही हुई है और इसका प्राइस भी छोटा है, अभी इसमें तो बहुत सारे लोगों ने निवेश किया ही नहीं है। जो जैसे जैसे इसके फंडामेंटल्स अच्छे आते रहेंगे, जैसे जैसे इनके पास ऑर्डर्स रहेंगे, उस प्रकार से इसका अच्छा रिटर्न बना के देने वाली कंपनी मुझे ऐसा लग रही है। बाकी डिविडेंड वगैरह तो देगी ही, गवर्नमेंट कंपनियां तो अच्छा देती हैं डिविडेंड बोनस वगैरह। चलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ जल्द ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।